Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं इस वीडियो में डिशवॉशर से रिलेटेड FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करूंगी ताकि आपके डिशवॉशर से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में डिशवॉशर का डिटेल डेमो दिया था जिसमें मैंने डिशवॉशर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर की थी, जैसे कि डिशवॉशर के फीचर्स, डिशवॉशर में बर्तन लोड करने का तरीका, डिशवॉशर के डिफरेंट वॉशिंग मोड्स और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं और बर्तन अच्छे से साफ करने के टिप्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं डिशवॉशर से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल कवर करूंगी ताकि आपके डिशवॉशर से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रही हूँ। मैं डिशवॉशर एक साल से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्या डिशवॉशर घर के लिए एक यूजफुल अप्लायंस है या नहीं? जी हाँ, डिशवॉशर घर के लिए एक यूजफुल अप्लायंस है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ। ये आपके टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करता है जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा डिशवॉशर बर्तनों को हाइजीनिकली साफ करता है गर्म पानी से और कम पानी भी यूज करता है। अगर मैं इसे वॉशिंग मशीन से कंपेयर करूँ तो पहले बहुत कम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते थे ये सोच के कि कपड़े वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ नहीं होंगे, लेकिन आजकल सभी लोग वॉशिंग मशीन ही यूज करते हैं। मुझे लगता है कि यही सेम केस डिशवॉशर के साथ है। आगे आने वाले टाइम में बर्तन साफ करने के लिए लोग डिशवॉशर जरूर यूज करेंगे। दूसरा सवाल है, क्या डिशवॉशर में इंडियन यूटेंसिल्स और ऑयली और मसालेदार बर्तन अच्छे से साफ होते हैं या नहीं? जी हाँ, डिशवॉशर में ऑयली और मसालेदार बर्तन अच्छे से साफ होते हैं। मैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरह का खाना बनाती हूँ तो ये दोनों तरह का खाना बनाने वाले बर्तन अच्छे से साफ करता है। ऑयली कढ़ाई भी डिशवॉशर में अच्छे से साफ होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूस फ्राई करने से आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा जल गई है तो उसे डिशवॉशर में साफ करने के लिए आपको 2 से 3 बार धोना पड़ेगा, तब वो अच्छे से साफ हो जाएगी। इसी तरह कुकर भी अच्छे से साफ होता है, लेकिन अगर आपका कुकर बहुत ज्यादा जल गया है, जैसे दाल या चावल बनाते समय कुकर जल गया है, तो उसे साफ करने के लिए आपको डिशवॉशर में 2 से 3 बार धोना पड़ेगा। वो पहली वॉश में साफ नहीं होगा, 2 से 3 बार वॉश करने पर कुकर बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तीसरा सवाल है, डिशवॉशर या हैंड वॉश कौन सा बेटर है? नॉर्मल केस में मुझे लगता है कि डिशवॉशर बेटर है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि डिशवॉशर हैंड वॉश से बेटर है, क्योंकि ये हाइजीनिकली हॉट वाटर से बर्तनों को साफ करता है। ये पानी को 70 डिग्री तक बॉयल करके बर्तनों को साफ करता है, तो बर्तन हाइजीनिकली अच्छे से साफ हो जाते हैं, जो हम हाथ से नहीं कर सकते, और डिशवॉशर पानी भी कम यूज करता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत ज्यादा जले हुए बर्तन डिशवॉशर में एक बार में साफ नहीं होते, उन्हें साफ करने के लिए आपको डिशवॉशर में 2 से 3 बार धोना पड़ता है। इस केस में मुझे लगता है कि हैंड वॉश बेटर है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जले हुए बर्तन को एक शॉट में 4 से 5 बार घिस के साफ कर सकते हैं, लेकिन डिशवॉशर में उन्हें 2 से 3 बार धोना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को डिशवॉशर का नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा जले हुए बर्तन हाथ से भी एक शॉट में साफ नहीं होते, उन्हें आपको 4 से 5 बार तो घिसना ही पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। नॉर्मल केस में डिशवॉशर ही हैंड वॉश से बेटर है। अगला सवाल है, क्या डिशवॉशर में बर्तन लोड करने में बहुत टाइम लगता है? शुरू शुरू में बर्तन लोड करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बर्तन किस स्लॉट में डिशवॉशर में रखना है, तब आप बहुत कम टाइम में डिशवॉशर में बर्तन लोड कर पाएंगे। अगला सवाल है, डिशवॉशर की कमियां क्या हैं? अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं, तो चांसेस हैं कि डिशवॉशर में एक बार में सारे बर्तन नहीं आएंगे, आपको 2-3 बार डिशवॉशर चलाना पड़ेगा। लेकिन छोटी फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक बार में डिशवॉशर में सारे बर्तन वॉश कर पाएंगे। इसके अलावा जले हुए बर्तन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं उसे नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करती, और अगर आप बहुत सारे नॉन डिशवॉशर सेफ बर्तन यूज करते हैं तो इस केस में आपको हैंड वॉश पर डिपेंड होना पड़ेगा।
अगला सवाल है डिशवॉशर में कौन-कौन से बर्तन धो सकते हैं? डिशवॉशर में स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन जैसे प्लेट्स, चम्मच, ग्लास, कुकर, इडली का बर्तन, चाय का बर्तन, इसके अलावा कुकर की रबर, कुकर का विसल, मिक्सी के जार, वुड से बने बर्तन जैसे वुडन स्पैचुला, डिशवॉशर सेफ प्लास्टिक से बने बर्तन जैसे कि लंच बॉक्सेस, स्पून्स, इसके अलावा कांच से बने बर्तन जैसे कि प्लेट्स, ग्लास और कांच के बाकी बर्तन और क्रॉकरी भी धो सकते हैं। अगला सवाल है डिशवॉशर में कौन-कौन से बर्तन नहीं धो सकते? डिशवॉशर में नॉनस्टिक बर्तन नहीं धो सकते क्योंकि उनकी कोटिंग चली जाएगी। इसके अलावा आप डिशवॉशर में लो ग्रेड प्लास्टिक नहीं धो सकते क्योंकि डिशवॉशर में बर्तन गर्म पानी से साफ होते हैं जिससे लो ग्रेड प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप डिशवॉशर में एल्युमिनियम और इंडेलियम बर्तन धो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन बर्तनों को लगातार डिशवॉशर में साफ करेंगे तो उनकी शाइन चली जाएगी। अगला सवाल है डिशवॉशर में बर्तनों को अच्छे से साफ करने के लिए क्या क्या ध्यान रखें? पहली चीज, डिशवॉशर में बर्तन एक के ऊपर एक लोड ना करें। दूसरी चीज, डिशवॉशर में बर्तनों का मुंह नीचे की तरफ रखें या फिर साइड वाइज रखें ताकि उनमें पानी जमा ना हो। इसके अलावा बर्तनों को किचन के सिंक में रखते समय उनमें पानी भरकर रखें जब तक आप उन्हें डिशवॉशर में लोड नहीं कर रहे, ताकि बर्तनों में खाना और मसाले के निशान जम ना जाए और वो आसानी से साफ हो जाए। अगर ज्यादा ड्राई और जले हुए बर्तन हैं तो आप डिशवॉशर का प्री रिंस ऑप्शन पहले यूज करें और बाद में अपने बर्तनों के हिसाब से वॉशिंग मोड सेलेक्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना ज्यादा आप डिटर्जेंट डालेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे से बर्तन साफ होंगे। अगला सवाल है डिशवॉशर चलाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज, बर्तनों में अगर लेफ्ट ओवर खाना है तो उन बर्तनों को डिशवॉशर में लोड करने से पहले लेफ्ट ओवर खाना निकालना ना भूलें। दूसरी चीज, बर्तन लोड करने के बाद डिशवॉशर के शावर्स फ्रीली रोटेट होने चाहिए, वो किसी भी बर्तन से लगकर स्टक नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, बर्तनों का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए और बर्तन एक के ऊपर एक लोड नहीं होने चाहिए। अगला सवाल है डिशवॉशर में बर्तन क्लीन होने में कितना समय लगता है? डिशवॉशर में अलग अलग प्रीसेट वॉशिंग मोड्स हैं जो 15 मिनट से लेकर 1 आवर 30 मिनट्स तक का टाइम लेते हैं, तो आप बर्तनों के हिसाब से आपको जो भी मोड चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, ऑल इन वन टैबलेट्स अच्छे हैं या डिटर्जेंट, रिंसेट, सॉल्ट को सेपरेट यूज करना अच्छा है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि डिटर्जेंट, रिंसेट, सॉल्ट को सेपरेट यूज करने से बर्तन ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज करते हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर रिफिल इंडिकेटर लाइट्स को परमानेंटली ऑफ जरूर करें, नहीं तो ये इंडिकेटर लाइट्स लगातार जलने से डिशवॉशर का मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। इन इंडिकेटर लाइट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए यूजर मैनुअल रेफर करें। अगला सवाल है, डिशवॉशर में कितना रिंसेट, डिटर्जेंट, सॉल्ट लगता है और ये सब महीने में कितना यूज होता है? मैं डेली दिन में एक बार डिशवॉशर चलाती हूँ तो मेरे यूज करने के हिसाब से ये सब महीने में कितना लगता है उसके बारे में एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दूंगी। सबसे पहले मैं सॉल्ट के बारे में बताती हूँ। सॉल्ट का 1 kg का पैकेट आता है और ये आपको सॉल्ट के स्लॉट में पूरा डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम डिशवॉशर चला रहे हैं तो आपको पहले पानी डालना है और फिर सॉल्ट डालना है। वैसे जो भी एग्जीक्यूटिव इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए आते हैं वो ये काम करते हैं। ये 1 kg का सॉल्ट का पैकेट करीब 1.5 महीना चल जाता है। जब डिशवॉशर में सॉल्ट खत्म होगा तो रिफिल सॉल्ट का इंडिकेटर जल जाएगा, तब आपको 1 kg का सॉल्ट का पैकेट फिर से डालना है। नेक्स्ट है रिंसेट। रिंसेट लिक्विड आपको डिशवॉशर के रिंसेट स्लॉट में तब तक फिल करना है जब तक वो स्लॉट पूरा फिल ना हो जाए। 250 ml का रिंसेट का बॉटल आप आराम से डिशवॉशर में 3 या 4 बार रिफिल कर सकते हैं। एक रिंसेट का बॉटल करीब 2 महीने चल जाता है। जब डिशवॉशर में रिंसेट खत्म होगा तो डिशवॉशर में रिफिल रिंसेट का इंडिकेटर जल जाएगा, तब आपको दोबारा डिशवॉशर में रिंसेट फिल करना है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आपको 3 to 4 spoons डालना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन डिशवॉशर में आपने कितने बर्तन लोड किए हैं। अगर हाफ लोड है तो मैं डिटर्जेंट स्लॉट को 75% तक फुल करना रिकमेंड करूंगी, स्पेशली अगर बर्तनों में मसाले और तेल ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा डिटर्जेंट होगा बर्तन उतने अच्छे से साफ होंगे। अगर फुल लोड है तो आप डिटर्जेंट स्लॉट को पूरा फिल करें। डिटर्जेंट का 1 kg का पैकेट आता है जो 1.5 से 2 महीने चल जाता है। अगला सवाल है, मैं कौन सा डिशवॉशर, डिटर्जेंट, रिंसेट और सॉल्ट यूज करती हूँ? मैं बॉश ब्रांड का डिशवॉशर और फॉर्च्यून का डिटर्जेंट, रिंसेट और सॉल्ट यूज करती हूँ। इन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।
अगला सवाल है ऑल इन वन टैबलेट यूज करते समय क्या क्या ध्यान रखें? सिंस आप ऑल इन वन टैबलेट यूज करते समय बाकी चीजें जैसे रिंसेट वगैरह यूज नहीं करेंगे तो डिशवॉशर में रिफिल इंडिकेटर लाइट्स कंटिन्यूसली जलती रहेंगी। यह आपके डिशवॉशर के बोर्ड के लिए अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह से डिशवॉशर का मदरबोर्ड जल्दी खराब हो सकता है। तो आपको रिफिल इंडिकेटर लाइट्स को सेटिंग्स में जाकर परमानेंटली ऑफ करना है। रिफिल इंडिकेटर लाइट्स को ऑफ करने के लिए यूजर मैनुअल रेफर करें। अगला सवाल है क्या रिंसेट यूज करना जरूरी है? रिंसेट एक्चुअली बर्तनों को अच्छे से ड्राई करने के प्रोसेस में मदद करता है। ये पानी का सरफेस टेंशन लो करता है ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए और प्लेट्स और ग्लास में पानी के ड्रॉपलेट्स रह जाने पर स्पॉट्स ना बने। अगला सवाल है डिशवॉशर के कौन कौन से टाइप्स हैं और प्लेट सेटिंग का मतलब क्या होता है? डिशवॉशर के जनरली दो टाइप्स होते हैं, पहला फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर और दूसरा बिल्ट इन डिशवॉशर। फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, बिल्ट इन डिशवॉशर आप मूव नहीं कर सकते। प्लेट सेटिंग डिशवॉशर के कैपेसिटी का मेजरमेंट है, यानी जितना ज्यादा प्लेट सेटिंग उतना ज्यादा कैपेसिटी वाला डिशवॉशर। तो आपको मिनिमम 12 प्लेट सेटिंग या उससे ऊपर वाला प्लेट सेटिंग का डिशवॉशर खरीदना चाहिए, स्पेशली इंडियन बर्तनों के लिए। अगला सवाल है डिशवॉशर यूज करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें? अगर आप फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर यूज कर रहे हैं तो आप उसे बंद जगह पर ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से डिशवॉशर की हीट जल्दी एस्केप नहीं हो पाएगी। फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर को खुली जगह पर रखें ताकि वो जल्दी कूल डाउन हो जाए। अगर आप डिशवॉशर का काम खत्म होने के बाद डिशवॉशर का फ्रंट डोर 5 मिनट खुला रखेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं जनरली डिशवॉशर का काम खत्म होने के बाद 5 मिनट के लिए डिशवॉशर का फ्रंट डोर खुला रखती हूँ, जिससे डिशवॉशर जल्दी ठंडा हो जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगला सवाल है डिशवॉशर में कौन सा पानी यूज करना है? डिशवॉशर में आपको नॉर्मल पानी यूज करना है जो आप वॉशिंग मशीन के लिए यूज करते हैं। डिशवॉशर में बर्तन धोने के लिए पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, आपको डिशवॉशर को गर्म पानी के सेपरेट पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं करना है। अगला सवाल है डिशवॉशर काम करते समय कितना साउंड करता है? डिशवॉशर काम करते समय ज्यादा शोर नहीं करता है, ये वॉशिंग मशीन से कम आवाज करता है। अगर आपने बर्तन अच्छे से लोड किए हैं तो डिशवॉशर के काम करते समय ज्यादा आवाज नहीं आएगी, पर अगर आपने बर्तन ठीक से लोड नहीं किए हैं तो बर्तनों के आपस में टकराने की आवाज आएगी। अगला सवाल है कि डिशवॉशर यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है? मैं डिशवॉशर डेली यूज करती हूँ, मुझे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले से थोड़ा ही ज्यादा आता है। अगला सवाल है कि डिशवॉशर के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत है या नहीं? मेरे ख्याल से डिशवॉशर के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डिशवॉशर रात में ही चलाएंगे एक बार और उस समय वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं रहता है, तो आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है डिशवॉशर की हाइट और वेट कितनी है? एक 12 प्लेट सेटिंग डिशवॉशर की हाइट वॉशिंग मशीन की हाइट के बराबर है, जो एक एवरेज पर्सन की कमर के थोड़ा नीचे तक आएगा। डिशवॉशर की विड्थ टॉप लोड वॉशिंग मशीन के थोड़ा ज्यादा है और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बराबर है। अगला सवाल है क्या डिशवॉशर रखने के लिए स्टैंड की जरूरत है या आप डिशवॉशर जमीन पर रख सकते हैं? आप डिशवॉशर जमीन पर रख सकते हैं, उसके लिए सेपरेट स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से डिशवॉशर जमीन पर रखना बेटर है, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। अगला सवाल है डिशवॉशर का प्राइस कितना है? डिशवॉशर का प्राइस एवरेज 30,000 से 35,000 के बीच है। सेल में आपको 27,000 से 30,000 के बीच में मिल सकता है। अगला सवाल है कि डिशवॉशर का पैकेज रिसीव होने के बाद उसे ओपन कर सकते हैं या टेक्नीशियन का वेट करना है? आप डिशवॉशर का पैकेज रिसीव होने के बाद उसे बिल्कुल ओपन ना करें, टेक्नीशियन का वेट करें, क्योंकि अगर बाय चांस उस बॉक्स में कोई भी पार्ट मिसिंग है या कुछ डैमेज है तो आपको कंपनी की तरफ से रिप्लेसमेंट में एक नया डिशवॉशर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस बॉक्स को ओपन कर लेंगे तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ वारंटी के थ्रू सिर्फ फ्री रिपेयर मिलेगा। जनरली लोग एक्साइटमेंट में डिशवॉशर का बॉक्स ओपन कर लेते हैं, पर आप ये गलती ना करें। तो ये था डिशवॉशर से जुड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके डिशवॉशर से जुड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ऑप्शन यूज करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी डिशवॉशर से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उन्हें भी डिशवॉशर के बेनिफिट्स के बारे में पता चले। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैंने डिशवॉशर पर ऑलरेडी एक डिटेल डेमो वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने डिशवॉशर के फीचर्स, डिशवॉशर में बर्तन लोड करने का तरीका, डिशवॉशर के डिफरेंट प्रोग्रामिंग मोड्स और डिशवॉशर कैसे काम करता है और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है।
अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मैं बाकी प्रोडक्ट्स जैसे इंडक्शन स्टव और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के ऐसे ही एफएक्यू वीडियोस जल्दी बनाऊंगी। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।